रचनात्मक गतिविधियाँ इसके बारे में बताइए। जी, मैं चित्रकार हूँ बचपन से, और मेरे पिताजी मूर्तिकार थे, और मैं पिताजी के चलते, और मेरे स्कूल में एक टीचर थे मेरे, ड्राइंग टीचर, उनके आशीर्वाद से मैं चित्रकार बना हूँ। जब मैं बोलना भी नहीं जानता था, तब से मैं गणेश मूर्तियों की जो मिट्टी होती है उसमें मैं खेला करता था। छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाना, ये करना, बैल करना, और कोई आदमी बनाना, ऐसे मैं करता था। और ऐसे करते करते मेरे पिताजी की इच्छा हुई, मेरे गुरु की इच्छा हुई कि मैं आर्ट कॉलेज ज्वाइन करूं। मैं आर्ट कॉलेज भी ज्वाइन किया हूं, और अभी करीब करीब मुझे 45-50 साल हो गए मैं चित्रकारी करता हूं। और मेरे पूरे गोवा में, महाराष्ट्र में, यूपी में, कर्नाटका में, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी में, ऐसे बहुत सारे मेरे पेंटिंग गए। और ज़्यादातर मैं तैल चित्र करता हूँ, यानी रियलिस्टिक काम करता हूँ मैं। और मोदी से लेके, स्वामी विवेकानंद से लेके, सुभाष चंद्र बोस से लेके, रतन जी टाटा के से लेकर, सबके मैंने तैल चित्र बनाए, लता दीदी के भी बनाए। और रतन जी टाटा ने मुझे अप्रिसिएशन लेटर भी दिया हुआ है, मेरी एक किताब छपी हुई है पेंटिंग की। और मैंने आज तक करीब करीब 2,500 के ऊपर तैल चित्र बनाए हैं, और बहुत सारे प्रदर्शन भी होते हैं, और एक किताब छपी है, प्रदर्शन भी करता हूँ। हर 2 साल में एक बार मैं प्रदर्शनी करता हूँ गोवा में, सारे लोग मुझे। और ख़ास बात एक बोलना चाहता हूँ, गोवा के पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनको आरोपियों के जो स्केचेस, जो वर्णन पर से स्केचेस बनाना पड़ता है, वो मैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए लास्ट 25 ईयर्स से मैं उनके लिए स्केचेस बनाता हूँ। और मेरे स्केचेस के लिए बहुत सारे केसेस भी सॉल्व हो गए हैं, रेप केसेस बोलिए, चेन स्नैचिंग केसेस बोलिए, मर्डर केसेस बोलिए, कि मेरे स्केचेस के लिए गोवा गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत सारे केसेस छुड़ाए हुए हैं। धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.